অনেক ভালো আর দয়ার মানুষ আছে দয়াল মানুষ আছে তাই না তাই না आपको कोरियन भाई देखा था बंगाली बहुत अच्छी बोल रहा था वो। हाँ वो बहुत अच्छी बंगाली इसलिए बोलते हैं कि वो बंगला में पढ़े हुए हैं बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं उनके फ्रेंड्स हैं और वो बहुत सारा जो टाइम है वो बांग्लादेश में रहते हैं उधर गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है एक बंदा जहाँ पर रहता हो जिस माशरे में जिस सोसाइटी में जिस कंट्री में तो डेफिनेटली वो वहाँ की बोली बोलेगा तो हाँ इजीली मतलब वो सीख जाता है। तो गाइस आज हमने देखना है आज हमने कोरियन नहीं आज हमने जैपनीज गर्ल देखनी है कि वो भी बंगाली बोल रही है और शी लव्स बंगाली तो लेट्स वॉच के कैसी बंगाली वो बोलती हैं। और जिस भाई ने हमें ये वीडियो भेजा उनका नाम है मतीन आई थिंक कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ये वीडियो भेजा था मतीन नाम ही है मे बी तो बिल्कुल मतीन ही होगा तो देखें वीडियो बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो दोस्त फर्स्ट टाइम यार हमारे वीडियो देखते हैं हमारे चैनल पर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकॉन को जरूर दबाया करो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से गाइस जल्दी से यार जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे मतलब पास जो डाटा है वो आ रहा होता है कि 45% लोग जो हैं वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो देखते हैं और बाकी जो 55 लोग हैं वो वीडियो को देखते हैं रेगुलर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आगे हमारी फैमिली जल्दी से बढ़ जाए और 50K तक हम पहुंच जाएं अभी 42 के ऊपर ही कब से लटके हुए हैं तो चले देखते हैं वीडियो और इस वीडियो के बाद मैं देखूंगा कि इस वीडियो के ऊपर कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये फिर मैं आपको बताऊंगा आज से एक वीक के बाद कि इस वीडियो के ऊपर कितने बांग्लादेशी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था तो जी चले देखते हैं कि जो जापानीज गर्ल है वो कैसे बंगाली बोलती है और चले वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पहले बांग्लादेश मानुष खराब ना शोभाय खराब ना शोभाय खराब ना सभी खराब नहीं है जापानीज ते हत्ते बांग्लादेश के काज करते जापानीज है बांग्लादेशी इधर काज करते चाहिए एमोंट हां हां तारपर बांग्लादेश है जी বাংলাদেশে অনেক সুন্দর জায়গা আছে আর অনেক ভালো আর দয়ার মানুষ আছে দয়াল মানুষ আছে তাই না তাই না জাপানিজ যারা জাপানে যারা ছাত্র ছাত্রীদের আছে আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে অনেক কাজ তাদের জন্য করতে চাই তো জাপানিজ ভাষায় আমি লিখি আর জানাতে চাই বাংলাদেশদেরকে জাপানিজ ভাষা আপনি লিখে বাংলা ভাষাকে কনভার্ট করে জাপানিজ ভাষায় জাপানিজদের মাঝে আপনি জানাতে যাচ্ছেন জি এটা হলো আপনার মূল উদ্দেশ্য আর বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাদেশে গিয়ে কি কি কাজ করতে চান বাংলাদেশে গিয়ে হ্যাঁ জি বাংলাদেশে যারা গরিব আছে যারা জাপানিজ ভাষা শিখতে চায় তাদের কি আপনি ফ্রি শিখাতে চান এমন কিছু বলেন এটা প্রথমবার জাপানি ভাষা ফ্রি শিখতে চান আর জাপানিজ রুল এটা যে খুব কঠিন বাংলাদেশের মানুষ বিদেশি বাস পুরো ভিডিও নেই তাই আর ইয়ে মুঝে লাগতা হ্যায় না চলে इतने से गुजारा करते हैं और नहीं भाई जो जापानीज गर्ल है अच्छी भाषा बोल रही है मतलब अच्छे तरीके से अच्छी हाँ और तुम्हें याद होगा कि गाइस जो भी मतलब गर्ल्स हैं फॉरेनर गर्ल्स होती हैं वो जब किसी बांग्लादेशी लड़के से मोहब्बत करती हैं इश्क में मुब्तला होती हैं तो वो बंगला लैंग्वेज सीखना जो है वो पसंद करती हैं तो याद है हमने मैंने एक गाइस इफ यू हैव रिमेंबर्ड कि मैंने एक फिलिपिनी गर्ल्स के साथ जो है वो रिएक्शन दिया था अगर आपको याद हो तो वो भी बंगला बोलती थी उसकी रीज़न ये है कि उसका एक फ्रेंड है बांग्लादेश से तो जो उसको बंगला सिखाता है और मतलब के कुछ लोग मतलब अच्छा लगता है दूसरी भाषा को बोलना सीखना सेम एज
कि अब एक भाई मैं इधर बोलता हूँ कि एक नदीम है कोई पाकिस्तान से आई थी कि या बांग्लादेश से है, उनके मुझे कमेंट आते हैं कि आप जो बंगला बोलते हो वो ना बोला करें, उर्दू में बात किया करें। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान यूएन में जो स्पीच की थी इंग्लिश में इमरान खान ने, वो उर्दू में स्पीच करते तो वो वर्ल्ड के ऊपर लोगों के ऊपर उसका वो इम्प्रेशन वो चीज़ नहीं बननी थी जो इंग्लिश में हर कोई समझ सकता है। तो ये जो भाषा होती है, ये जो जुबान होती है, हम बंगला बोले, उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, जो भी बोले, मकसद होता है कि दूसरे लोगों को जिनके साथ हम मुखातब हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करें उसको। बिल्कुल ठीक है। मैं इधर अरबी बोलता जाऊंगा ठीक है, या मैं इधर पश्तो बोलता जाऊंगा तो किसी को कोई समझ नहीं आएगी ठीक है, तो मेरा फायदा नहीं बोलने का। तो मतलब लैंग्वेज का जो होता है इस्तेमाल करना होता है, हर बंदे को अपनी जुबान से मोहब्बत होती है। और सेम एज जैसे कि आप लोग अपनी भाषा से मोहब्बत करते हैं, सेम एज हमें भी अपनी जो मदर लैंग्वेज है उससे उतनी ही मोहब्बत है जितनी आप लोग करते हैं। तो मतलब दूसरी जुबान को बोलना कोई गुनाह नहीं है, कोई मतलब आप अगर मुझे तो मज़ा आता है कि मैं अपनी जब इवन के मैं किसी सराइकी के साथ नहीं भी बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सराइकी में उससे बात करूँ, मज़ा आता है। अगर मैं पंजाबी के साथ बात कर रहा हूँ तो कोशिश होती है यार पंजाबी में बात करें, अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है तो दिल करता है उर्दू में बात करें, इंग्लिश स्पीकर है तो डेफिनेटली अगर मैं इंग्लिश स्पीकर के साथ पंजाबी में बात करता जाऊँगा उसके ऊपर से निकल दी जाएगी। तो मतलब जो लैंग्वेज है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, और बंगला लैंग्वेज तो वैसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है यार। तो फिर हम मतलब अगर इसको सीखना चाहते हैं तो इसमें मसला क्या है। बिल्कुल। तो कहे चले इस चीज़ को छोड़ते हैं। ये एक नदीम साहब आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो आप बार बार कमेंट करते हैं, आप पाकिस्तान से हैं या जहाँ से भी हो ठीक है, आपके लिए था ये कि भाषा लैंग्वेज जुबान कोई भी आप बोलें ठीक है, बोली कोई भी तुसी बोलो ठीक है, अगले को समझ आनी चाहिए थी है। बिल्कुल। तो हूँ लेने थोड़े को इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो च, ते उदों तक लई अपना बड़ा ख्याल रखियो, तो सानू दुआओं विच याद रखियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। सुस्तो थाकुन भालो थाकुन।